हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको फाइल हैंडलिंग इन C++ एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस करंट वीडियो सेशन में मैं आपको कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको कौन कौन से फाइल टाइप्स है, वो डेटा कैसे एक्सेस करते हैं, ये चीजें पता होना जरूरी है। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको फाइल हैंडलिंग इन C++ के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको सारी चीजें जाननी है तो मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर पे लिंक फ्लैश कर रही हूँ, वो आप देख सकते हो, जिस पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो कंपैरिजन को मूव होने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल रिंगिंग रखिए, क्योंकि रिंगिंग बेल आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन देता रहेगा। मेरे वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से फाइल टाइप्स होते हैं जिससे हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो तीन टाइप की फाइल्स होती है मेनली। सबसे पहला है सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल, जो कि डेटा हमें सिक्वेंशियली एक्सेस करने में मदद करता है। दूसरा फाइल टाइप है इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल, जहां पे ये सिक्वेंशियल एक्सेस ही होता है, पर एक इंडेक्स करके एक्स्ट्रा फील्ड होता है जिसकी मदद से थोड़ा फास्ट हमें डेटा एक्सेस मिलता है, क्योंकि वो डायरेक्टली उस लोकेशन पे जाके हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और एक लास्ट टाइप है, जो कि है डायरेक्ट एक्सेस फाइल, और जिसको ही हम रैंडम एक्सेस फाइल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उस लोकेशन पे जाके डेटा और रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, और रैंडमली कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। ये तीनों फाइल टाइप्स आपको इन डिटेल पता होने चाहिए। अगर वो आपको पता नहीं है तो यहाँ पे मैं राइट अप कॉर्नर पे इसी टाइप ऑफ फाइल्स का प्लेलिस्ट फ्लैश कर रही हूँ, तो प्लीज उसे पहले देख लीजिए, जान लीजिए, देन ये वाला वीडियो रिज्यूम कीजिए। तो अभी इस वीडियो सेशन का जो मेन पार्ट है कंपैरिजन, वो मैं कौन से टॉपिक पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने वो लिस्ट दिया हुआ है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं कंसीडर करने वाली हूँ कंपैरिजन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट और द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द थ्री फाइल्स। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फाइल्स। उसके बाद मैं कंपैरिजन करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंसेप्ट और प्रॉपर्टीज के हिसाब से तीनों फाइल्स क्या कहती है। यहाँ पे मैं आपको ये तीनों फाइल्स एक एक कॉलम में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो सबसे पहला कॉलम मैं एक्सप्लेन करूंगी सिक्वेंशियल फाइल के लिए, देन मिडल वाला इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स के लिए, और लास्ट वाला डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल्स के लिए। तो देखते हैं कि कंपैरिजन क्या है। तो सबसे पहला कंपैरिजन जो कि है कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे, तो सबसे पहले सिक्वेंशियल फाइल जो होती है वो बहुत सिंपल होती है और कॉमनली यूज भी होती है, क्योंकि सिक्वेंशियली सिर्फ डेटा एक्सेस करना होता है वन बाय वन इन द ऑर्डर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड वन बाय वन रिकॉर्ड एक्सेस करने होते हैं। तो ये हो गया सबसे सिंपल वाला मेथड। अगर मेरे पास इंडेक्स है तो मैं इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स यूज करूंगी, जो कि है आपका मॉडरेट लेवल पे, मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे, और ये जो है मोस्टली सिमिलर टू द सिक्वेंशियल फाइल्स। और सबसे कॉम्प्लेक्स वाला होता है डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल्स, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली उस रिकॉर्ड पे मूव होते हैं और रैंडमली कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, जो कि इजी नहीं है। तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल देखी जाए तो ये हो गया सिक्वेंशियल फाइल, हो गया सबसे सिंपल वाला एक्सेस फाइल। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल जो है वो मॉडरेट लेवल पे है, और डायरेक्ट रैंडम एक्सेस फाइल्स, डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स है।
अभी हम देखते हैं कि अगर हमें डेटा और रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं तो उसकी मेथड क्या क्या होती है। सिक्वेंशियल फाइल हमें नाम ही बता देता है कि जो सारे रिकॉर्ड है, इन्फॉर्मेशन है और डेटा है, वो सिक्वेंस में और ऑर्डर में हम वन बाय वन एक्सेस करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल में सारे रिकॉर्ड हम सिक्वेंशियल एक्सेस करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड अवेलेबल है। हम डायरेक्टली उस इंडेक्स पे जाके डेटा सिक्वेंशियल एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस फाइल और रैंडम एक्सेस फाइल में कौन सा भी रिकॉर्ड जो कि हमें एक्सेस करना है वो डायरेक्टली या तो रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। सो आई रिपीट, सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल में हम सिक्वेंशियली रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल में विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस फाइल और रैंडम एक्सेस फाइल में रैंडमली और डायरेक्टली करते हैं। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि उसका स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ एक्सेसिंग। तो ये जहां तक कि सिक्वेंशियल फाइल्स का सवाल है, हर एक रिकॉर्ड वन बाय वन एक्सेस करता है, इसलिए ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है क्योंकि ऑल रिकॉर्ड वो एक्सेस करता है। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल थोड़ा सा फास्टर होता है देन द सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स होता है, इंडेक्स की मदद से हम थोड़ा फास्टली सिक्वेंशियली डेटा एक्सेस कर सकते हैं। पर यहाँ पे इन डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल में जो डेटा हम और रिकॉर्ड हम एक्सेस करते हैं वो डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, इसलिए ये फाइल सबसे फास्ट होता है और ये एक्सेस सबसे फास्ट होता है। पर जहां तक कि ये इस पॉइंट का सवाल है, मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो डायरेक्टली और रैंडमली कैसे एक्सेस करता है। तो यहाँ पे उसका आंसर है कि क्योंकि ये बहुत ही फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि यहाँ पे एड्रेस कैलकुलेट किया होता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। अगर आपको हैशिंग पता है तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हैशिंग अप्लाई करके एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है और डायरेक्टली उस रिकॉर्ड को एक्सेस किया जाता है और रैंडमली एड्रेस कैलकुलेट करके। सो इसीलिए जो चीज हमें चाहिए वो एड्रेस कैलकुलेट करके डायरेक्टली उस रिकॉर्ड पे अगर हम जाते हैं तो ये हो गया सबसे फास्ट एक्सेस। तो यहाँ जो थर्ड पॉइंट है मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल सबसे स्लो होता है, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ये मॉडरेट होता है, उसका स्पीड थोड़ा सा फास्टर देन सिक्वेंशियल फाइल होता है, और डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल सबसे फास्ट होता है क्योंकि एड्रेस कैलकुलेट करके हम डायरेक्टली उस रिकॉर्ड पे मूव हो सकते हैं। तो ये हो गए उसके पॉइंट्स जिसके हिसाब से इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैंने ये तीनों फाइल कंपेयर करके आपको बोली है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर मूव होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस और द एप्लीकेशन ऑफ फाइल, कि हम कहाँ पे ये तीनों फाइल्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से वही स्ट्रेटेजी यूज करूंगी कि तीनों फाइल्स वन बाय वन एक एक कॉलम में मैंने लिए हैं, और जहां तक कि उनकी प्रॉपर्टी का सवाल है तो उनकी प्रॉपर्टी को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये फाइल कहाँ कहाँ पे यूज होती है। तो सबसे पहले देखते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल। तो सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल की प्रॉपर्टी क्या है कि सारे रिकॉर्ड वो एक्सेस करते हैं, तो हम यही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और जहां तक कि हमें सारे रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं तब हम सिक्वेंशियल फाइल प्रेफर करेंगे। अभी देखते हैं इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल का प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल है तो हमारे पास इंडेक्स अवेलेबल है, मतलब कि हम सिलेक्टिव रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं कर सकते हैं। तो जहां तक कि सिलेक्टिव रिकॉर्ड एक्सेस करने का सवाल है, मैं इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल प्रेफर करूंगी। और उल्टा अगर हमें बोलना है तो सिलेक्टिव रिकॉर्ड अगर हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ज्यादा यूजफुल होती है। और चलो अब तीसरा टाइप है डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल। तो अगर हमारे पास डायरेक्टली मैथमेटिकल फंक्शन अवेलेबल है जो एड्रेस कैलकुलेट हमें करके पर्टिकुलर रिकॉर्ड एक्सेस करने की परमिशन देता है, तो उस टाइम मैं डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल प्रेफर करूंगी। तो अगर
मेरे पास एड्रेसेस अवेलेबल है, उसके साथ मैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकती हूँ, तो इस टाइम मेरा डायरेक्ट एक्सेस फाइल और रैंडम एक्सेस फाइल बहुत यूजफुल होता है। अभी ये एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको एप्लीकेशन बताने वाली हूँ कि कौन कौन से एप्लीकेशन में कौन कौन सी फाइल यूजफुल होती है। तो सबसे पहला वाला एप्लीकेशन है जहां तक कि पेरोल कैलकुलेशन का सवाल है। अगर एट द एंड ऑफ द मंथ पेरोल हमें कैलकुलेट करना है सभी एम्प्लॉय के लिए, आई रिपीट सभी एम्प्लॉय के लिए, इसका मतलब है ऑल रिकॉर्ड्स आई नीड टू प्रोसेस। तो अगर मुझे सारे रिकॉर्ड प्रोसेस करने हैं तो मैं क्या प्रेफर करूंगी, आई विल प्रेफर द सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल। तो सारे रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं इसलिए मेरे पास सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल सबसे बहुत यूजफुल है। उसी के साथ अगला वाला एग्जाम्पल है, अगर मुझे बिल जनरेट करना है और सभी मेरे कस्टमर को सेंड करना है, फिर से यहाँ पे क्या हो गया, ऑल कस्टमर, तो ऑल रिकॉर्ड्स मुझे एक्सेस करने हैं, तो उसके लिए फिर से मैं कौन सी फाइल के बारे में सोचूंगी, तो मैं सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल के बारे में सोचूंगी और मैं सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल यूज करूंगी जहां तक कि सभी रिकॉर्ड एक्सेस करने का सवाल है। अभी इस कॉलम में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ऐसे एग्जाम्पल और एप्लीकेशन जहां पे मैं सिलेक्टिव रिकॉर्ड एक्सेस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है, अगर मुझे एक एम्प्लॉय के एड्रेस लोकेशन में कुछ चेंजेस करने हैं और वो अपडेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, उस एम्प्लॉय का इंडेक्स सर्च करूंगी और वो लोकेशन पे जाके मैं उस एड्रेस फील्ड अपडेट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्टिव रिकॉर्ड मुझे एक्सेस करना है और मेरे पास इंडेक्स भी अवेलेबल है, तो मैंने इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल यूज करना प्रेफर किया। जहां तक कि स्टूडेंट डेटाबेस का सवाल है, मुझे सिर्फ किसी स्टूडेंट्स के रोल नंबर अपडेट करने हैं तो भी मैं यहाँ पे इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल यूज करूंगी, क्योंकि ये प्रेफरेबली यूज होता है जहां तक कि सिलेक्टिव रिकॉर्ड्स एक्सेस करने का सवाल है। और एट द लास्ट जहां तक कि डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल का सवाल होता है, मेरे पास सीडी है, डीवीडी है, आप सबने यूज की है, या उसमें क्या होता है, तो वहां पे हम डायरेक्टली कौन सा भी फोल्डर कौन सा भी फाइल एक्सेस कर सकते हैं, वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट एक्सेस फाइल और रैंडम एक्सेस फाइल का इम्प्लीमेंटेशन हुआ होता है, क्योंकि वहां पे उस हर एक फाइल का हर एक फोल्डर का एड्रेस कैलकुलेटेड होता है, तो हम डायरेक्टली रैंडमली कौन सा भी फाइल वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। प्रेफरेबली डेटाबेस हैंडलिंग के लिए डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे इस स्लाइड पे मैंने एक्सप्लेन किया आपको हर एक फाइल टाइप की प्रॉपर्टी क्या होती है, उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम कौन सा एप्लीकेशन प्रेफरेबली कौन सी फाइल के लिए यूज होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू एडवांटेजेस ऑफ ऑल द फाइल्स। एडवांटेजेस हर एक फाइल के क्या क्या होते हैं मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से मैंने वही स्ट्रेटेजी यूज की है, तीनों कॉलम में तीनों फाइल्स रखी है और यहाँ पे वन बाय वन में यहाँ पे एडवांटेजेस एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहला सिक्वेंशियल फाइल हम देखेंगे कि सिक्वेंशियल फाइल के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो ये होता है सबसे सिंपल और सबसे कॉमन मेथड। सिंपल क्यों और कॉमन मेथड क्यों, क्योंकि ये सिक्वेंशियली वन बाय वन रिकॉर्ड एक्सेस करता है, वहां पे कोई इंडेक्स नहीं है, वहां पे कोई एड्रेस कैलकुलेशन नहीं है, हमें स्टार्टिंग से बिगिनिंग से स्टार्ट करना है और एंड तक एक एक रिकॉर्ड एक्सेस करते जाना है, इसलिए ये हो गया सबसे सिंपल मेथड और कॉमनली यूज मेथड। और जहां तक कि हर रिकॉर्ड एक्सेस करने का सवाल है, तो उस केस में ये सबसे ज्यादा इफिशियंट होता है, पर हमें यहाँ पे सारे रिकॉर्ड एक्सेस करने होते हैं। अभी हम देखते हैं कि इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल अगर देखा जाए तो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम ये फाइल सिर्फ सिक्वेंशियल फाइल करके यूज कर सकते हैं और हम इंडेक्स यूज करके इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल करके भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि दोनों टाइप ऑफ फाइल्स हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं।
और एक एडवांटेज ये है कि ये जो अगर हम इंडेक्स के साथ सिक्वेंशियल एक्सेस करते हैं तो ये फास्टर होता है देन दैट ऑफ द सिक्वेंशियल फाइल. तो ये हो गया इसके एडवांटेजेस. और डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल्स के एडवांटेजेस होते हैं कि हम कोई भी रिकॉर्ड डायरेक्टली और रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द एड्रेस बाय अप्लाइंग द मैथमेटिकल फंक्शन. तो ये डायरेक्टली और रैंडमली कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता है, इसलिए ये सबसे फास्ट होता है. तो यहाँ पे ये जो सारे एडवांटेजेस मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आई रिपीट वन बाय वन. तो सबसे पहले तीनों के एडवांटेजेस है वो बेस्ट है कि वो डेटा और रिकॉर्ड कैसे एक्सेस करते हैं. तो एक्सेसिंग मोड इज सिक्वेंशियली विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, और यहाँ पे है जो डायरेक्टली वो करता है. तो यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेज ये हो गया. सेकंड एडवांटेज है विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड. तो यहाँ पे इफिशियंट है जहां तक कि सारे रिकॉर्ड का एक्सेस करने का सवाल है, और ये सब उससे सिक्वेंशियल एक्सेस से फास्टर होता है, और इसका स्पीड सबसे फास्ट होता है क्योंकि ये डायरेक्टली रिकॉर्ड एक्सेस करता है. तो ये हो गए ये तीनों फाइल्स के एडवांटेजेस. और लास्ट स्लाइड में मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं हर एक फाइल टाइप्स के. तो यहाँ पे मैं फाइल टाइप के हिसाब से डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन कर रही हूँ. सिक्वेंशियल फाइल अगर मेरे पास है तो मुझे यहाँ पे सारे रिकॉर्ड एक्सेस करने होते हैं, ऑल रिकॉर्ड्स, एंटायर फाइल. अगर मुझे सिंगल रिकॉर्ड भी एक्सेस करना है, सर्च करना है, और मान लो ये एट द एंड पोजिशन पे है, तो मुझे सारे रिकॉर्ड यहाँ पे एक्सेस करने होते हैं. इसीलिए ये हो गया इसका डिसएडवांटेज, क्योंकि हम डायरेक्टली उस लोकेशन पे जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सिक्वेंशियली एक्सेस करता है वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑलवेज. तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज, और इसीलिए इसका प्रोसेसिंग भी स्लो होता है. तो ये हो गए सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल के डिसएडवांटेजेस. अभी इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल के डिसएडवांटेज अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे एक ही डिसएडवांटेज है, वो कि इंडेक्स जो एक्स्ट्रा फील्ड है उसे स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस जो लगती है वो हो गया इसका डिसएडवांटेज. पर अगर हम इंडेक्स फील्ड के साथ डेटा कोई भी एक्सेस कर सकते हैं तो हम उतनी स्पेस अफोर्ड कर सकते हैं. तो ये हो गया डिसएडवांटेज ऑफ इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स. और यहाँ पे हम देखते हैं कि डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल्स, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस कैलकुलेशन की जरूरत होती है. उसके लिए हमें एक्स्ट्रा लॉजिक लगता है. हैशिंग, मैंने जब बताया था कि हैशिंग मोस्टली यहाँ पे यूज होता है, हैशिंग टेक्निक जो हमें एड्रेस कैलकुलेशन करने के लिए हेल्प करता है. तो ये एक्स्ट्रा लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. और ये जो यहां तक कि एड्रेस कैलकुलेशन का सवाल है, जैसे फंक्शन एड्रेस कैलकुलेट करके देगा उसी लोकेशन पे रिकॉर्ड सेव हो जाएगा. तो यहाँ पे मेमोरी का यूटिलाइजेशन इवनली नहीं होता है और स्मार्टली नहीं होता है. पहले ही हमें कुछ मेमोरी अलोकेट करके रखनी पड़ती है, उसमें से जो एड्रेस कैलकुलेशन लॉजिक एड्रेस कैलकुलेट करके देगा उसी एड्रेस पे वो रिकॉर्ड जाके स्टोर हो जाएगा. तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि मेमोरी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो उसका वेस्टेज भी वहां पे हो सकता है. तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस. तो वन बाय वन मैंने सारे तीनों फाइल्स के डिसएडवांटेजेस भी कंपेयर करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हैं. तो आई होप डियर फ्रेंड्स, मैंने जब तक जो यहाँ तक एक्सप्लेन किया है आपको सबको समझ में आ रहा है. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए, कमेंट देना भी ना भूलिए. यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. साथ साथ मैं नए वीडियोज का भी शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, और इस वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट भी मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ. तो प्लीज मेरे चैनल से बने रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. स्टे ट्यून विथ टेक टॉक्स. थैंक यू.